एक बॉटल ले लीजिए। इन सब बातों का जो आधार है, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इनका आधार है कि यदि हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा और सभ्यता और संस्कार प्रदान कर दे तो इन बातों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन करते क्या हैं हम बचपन के अंदर उन बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन अच्छी देते हैं या बुरी देते हैं ये हमें पता नहीं, देते तो नहीं। हम योग्य संस्कार डालते हैं या अयोग्य संस्कार डालते हैं ये भी हमें पता नहीं। पता कब होता है? हमें पता चलता है कि जब हम वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं, जब वो कलयुगी औलाद बनकर के बाप का गला दबा रही होती है, जब वो कलयुगी औलाद अपनी माँ को मार रही होती है, घर से बाहर निकालती होती है, तब हमें पता चलता है कि हमने अपनी औलाद को क्या दिया। इसके बाद यदि जो लोग समझदार हैं, सब कुछ दिख रहा है इसको समझते हैं, इस भारतवर्ष की दुनिया में आप सब देख रहे हैं, कहते हैं अरे फलाने का बच्चा तो बड़ा सम्मान कुमार है, बड़े अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है, अरे देखो इस घर में है कैसा रात को एल्कोहल ड्रिंक करके आकर अपने माँ बाप को कैसे मारता है। तो साथियों ये पता है कि जो माता पिता अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करता है, उस पर समय लगाता है, अपने बच्चे को समय देता है, तो वो आगे चल करके दुखी नहीं होता, बल्कि आगे चल करके दूसरों का उदाहरण बनता है। आज हम भौतिकवादी सोच में हम करते क्या हैं, हम चौड़े हो जाते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, पुलिस के सामने हम आवेश में आ जाते हैं और बताते तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरी माँ कौन है।